ये है जनाब मेरे हमजा भाई जो कि तुर्की से तलक रखते हैं, जिनकी एज है 26 साल और 40 साल भाई के साथ आज इनकी शादी थी जर्मन में और शादी वाले दिन भी भाई के साथ हो गया मोए। क्या हुई? हुई ये है कि भाई बारात के अंदर ही 12 पुलिस वाले बराती बन के आए और भाई को शादी के मंडप से ही उठा लिया गया। एकदम मुंडे दे जज्बात बदल के रख छड्डे, कट्टो गड़ कमले शादी तो हो लैन देनी सी मुंडे दी। खैर जितने भी लोग जर्मन में असाइलम करवा के रहते हैं, जिनको अजील मिल जाती है, कैंप मिल जाता है, इंटरव्यू होने के बाद उनको मिलता है एक छोटा सा वर्क का पेपर मिलता है जिसे हाउसवाइफ बोलते हैं। अब जब आप लोगों का केस रिजेक्ट हो जाता है उस हाउसवाइफ के ऊपर लगा देते हैं रेड लाइन। अब उस रेड लाइन को बोलते हैं डोल्डुंग। अगर आप लोगों को डोल्डुंग लग जाती है, आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, तो ना आप काम कर सकते हैं, ना आपको परमिशन होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, ना शादी की, ना काम की, ना पैसा पाकिस्तान में भेज सकते हैं। मतलब कि टोटली बंदे नु बेकार करके रख छड़ दे। वैसे इदा तो नहीं करना चाहिए, खैर उनके अपने रूल कानून है, किसे खाते का बंदा नहीं रहता है अभी अगर उन्होंने डोल्डुंग लग जाती है या उसका केस रिजेक्ट हो जाता है, ना वो काम कर सकते, मतलब टोटली बंदा बेकार हो जाता है। अब भाई को लगी हुई थी डोल्डुंग, काफी टाइम से पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी कि बंदा मिले और इसको डिपोर्ट किया जाए। खैर भाई इधर उधर छुप छुपा के काफी टाइम भाई ने निकाल लिया, जिदा किदा भी एक माई फसा ली, घट्टो घट शादी करके पेपर ते पक्के दबन के डिपोर्ट की टेंशन तो दिमाग से खत्म होगी, और वो भी भाई को शादी वाले दिन ने उठा लिया और डिपोर्ट कर दिया। अब माई कहती है कि मैं इस मुंडे के पीछे तक दौड़ांगी, लेकिन जर्मन का कानून ये है कि अगर एक बार बंदा डिपोर्ट कर दिया गया तो वो 5 साल तक दोबारा जर्मन में नहीं आ सकता। अब ये एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज बात है कि मतलब शादी वाले दिन बंदे को उठा लेना ये एक नॉर्मली बात नहीं होती। जब बंदे की शादी हो जाती है फिर तो बिल्कुल डिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शादी जर्मन में हो गई है, लेकिन ये हमारा सिर्फ ख्याल था ऐसा। पहले क्या होता सी कि बंदे कहते सी कि चल यार कितू भी पेपर ना लभे जर्मन चू, एक ऑप्शन साढ़े को घट्टो घट यह होएगा कि चलो यार किसी माए या किसी कुड़ी ने फसा फसू के आप शादी करके पेपर पक्के कर लांगे, बट ये ऑप्शन भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम भी एक भाई ने बताया कि दो बंदे ऑलरेडी डिपोर्ट हो चुके हैं, एक शादी के दूसरे दिन ही डिपोर्ट उन्होंने कर दिया और एक शादी के 2-4 दिन बाद उन्होंने डिपोर्ट कर दिया और हमजारी जड़े ना वो शादी तो ही चुके गए ने। सो इसलिए ये जो शादी का ऑप्शन नजर आ रहा था कि चलो यार शादी करके किसी माए के मुंह च दंद नहीं भी होंगे से बंदे कहते चलो घट्टो घट पेपर तो ले दूंगी, बट वो भी ऑप्शन खत्म हो चुका है। सो जितने भी दोस्त जर्मन में असाइलम पे रह रहे हैं, डोल्डुंग जिनको लगी हुई है भाई ध्यान से कि ये ना हो डिपोर्ट हो जो फिर अपनी कंट्री दोबारा यूरोप में आना बहुत औखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखे जे रब बरकत।